तो हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम यू ऑल टू अनदर हैपनिंग एपिसोड ऑफ अवर शो जिसको हम कहते हैं द परी शो, जिसमें हम आपको बताते हैं आपके देश की बात, आपके काम की बात, आपके मतलब से जुड़ी सभी बातें जो जानना आपके लिए बहुत बहुत आवश्यक है। हम नए और पुराने मुद्दों को आपके समक्ष विश्लेषण पूर्ण जानकारी के साथ रखते हैं और आपको बताते हैं कि वास्तव में पर्दे के पीछे की हकीकत क्या है। हम आपको ये भी बताते हैं कि वास्तव में आपको क्या दिखाया जा रहा है और दरअसल में मामला क्या है। और हमें बहुत खुशी है कि आपने हमारे फेसबुक पर इतने ज़्यादा शेयर्स किए हमारे वीडियोस को। आप हमारा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है परी टॉक्स टू देश की जनता, जिसमें सब्सक्रिप्शन बटन को दबाकर आप बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए और अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक ग्रुप्स में हमारे वीडियोज को ज़रूर शेयर कीजिए जिससे हम एक बुद्धिजीवी समाज का निर्माण कर सके। इन वीडियोज़ को शेयर करना इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये आपकी बुद्धिमत्ता का विकास करते हैं, आपके सामाजिक स्तर का विकास करते हैं, आपके व्यवहारिक ज्ञान का विकास करते हैं, इसलिए भी इन वीडियोस को शेयर करना बहुत ज़रूरी है। आज हम बात करेंगे कंगना रनौत की, कि कंगना रनौत के जो बिंदास बोल है, बेबाक अंदाज है जिसके लिए वो जानी जाती है, एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई है। कंगना रनौत ने जो है अपने दुश्मनों को बिल्कुल बुरी तरह लताड़ लगाई है। उन्होंने कहा है कि विलन्स आर टू बी थैंक्ड बिकॉज ऑफ द विलन्स आई एम हीरो। उन्होंने कहा है कि विलन्स को थैंक यू बोलना चाहिए क्योंकि विलन्स की वजह से ही मैं हीरो बन के निकली हूँ। विलन्स का जिंदगी में होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उन्होंने जैसे बताया था, उद्धव ठाकरे जी को चेतावनी दी थी कि समय का पहिया है, स्थिर नहीं रहता है, आज तुम्हारी बारी है तो कल मेरा दिन भी आएगा, इस तरह से बयानबाजी उद्धव ठाकरे पर करने वाली कंगना रनौत का लगता है कि दिन आ गया है। और हाईकोर्ट ने उनके फेवर में जजमेंट देते हुए शिवसेना को बिल्कुल भारी लताड़ लगाई है। और शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत, जो मुखपत्र सामना के संपादक भी है, संजय राउत को भी जम के लताड़ लगाई है उन्होंने, क्योंकि संजय राउत ने कंगना रनौत का हराम खोर कहा था, इसलिए भी संजय राउत को जम के लताड़ लगाई गई हाईकोर्ट के द्वारा। हाईकोर्ट ने जो मुखपत्र सामना में इन लोगों ने एक हेडलाइंस छापी थी कंगना के ऑफिस को बुलडोजर से उड़ा देने के बाद में, कि उखाड़ दिया, उसी उखाड़ दिया का जवाब हाईकोर्ट ने दिया है। उखाड़ देने वालों के जो इरादों पर एक तरह से मुंबई हाईकोर्ट ने बुलडोजर चला दिया है, उखाड़ दिया लिखने वालों के इरादों पर उनके क्या कहते हैं, एक तरीके से विनिंग इंस्टिंक्ट पर हाईकोर्ट ने बुलडोजर चला दिया है। और उनकी विनिंग इंस्टिंक्ट जो है वो डेढ़ महीने दो महीने से ज्यादा नहीं रह पाई और हाईकोर्ट ने जम के लताड़ लगाई है। हाईकोर्ट ने कहा है कि कंगना के ऑफिस का जो भी लॉस हुआ है उसका मूल्यांकन किया जाए और मूल्यांकन करके जो भी कंगना का लॉस हुआ है ऑफिस तोड़ने, ऑफिस पर बुलडोजर चलाने की वजह से, उसका मुआवजा कंगना को दिया जाए। क्योंकि इस तरह से बुलडोजर तभी चलाया जाता है जब कोई जान माल का खतरा होता है या जब कोई प्राकृतिक आपदा होती है, उसी समय इतनी अर्जेंसी में बुलडोजर चढ़ाया जाता है। जनरली एक दिन के नोटिस में बुलडोजर नहीं चलाया जाता है, एक दिन के बुलडोजर चलाने के लिए कम से कम एक हफ्ते का नोटिस दिया जाना चाहिए। कंगना ने तो कहा था कि वो आ रही है 9 तारीख को, फिर भी 9 सितंबर को उनके ऑफिस पे बुलडोजर चला दिया गया था, तो जो अपने आप में एक गलत बात है क्योंकि ना वहाँ जान माल का खतरा था और ना ही कोई प्राकृतिक आपदा थी, तो ऐसे समय में बुलडोजर को चलाने की एक्चुअली इसमें ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी कंगना के ऑफिस पर बुलडोजर चलाया गया। और एक अकेली लड़की जिसने अपने बलबूते पर करियर बनाया, बहुत सारे स्ट्रगल्स को झेला है, बहुत सारी बेइज्जतियों को, नेम कॉलिंग्स और दुनिया भर की ब्लेम्स को झेला है और अपनी करियर में आगे बढ़ती चली गई है। जितना ही लोगों ने उनकी टांग खींची है, जितना ही लोगों ने उनको ताने मारे हैं, उतना ही कंगना ने बिना हार माने आगे बढ़ते रहने की अपनी हिम्मत दिखाई है, आगे बढ़ते रहने की अपने जोश और जज्बे को दिखाया है। तो ऐसे में उनके घर पर बुलडोजर चलाना जो है अपने आप में एक बड़ी शर्मनाक बात है जो शिवसेना ने किया। और हाईकोर्ट ने शिवसेना को जम के लताड़ लगाई,
हाई कोर्ट ने ये भी कहा है कि अगर कंगना और उसकी बहन पर मुंबई पुलिस ने 138 के तहत राजद्रोह का मुकदमा लगाया है, जैसे मुनव्वर अली की शिकायत पर राजद्रोह का मुकदमा कंगना और उनकी बहन रंगोली पर चलाया गया था, तो हाई कोर्ट ने ये भी पूछा है कि क्या अगर पुलिस अपने राज्य की सरकार की चमचागिरी करे या चाकूसी करे तो क्या पुलिस पर भी राजद्रोह का मुकदमा लगाया जा सकता है। इस तरह से पुलिस को भी जम के लताड़ लगाई, मुंबई पुलिस को भी जम के लताड़ हाईकोर्ट के द्वारा लगाई गई है। और शिवसेना के वरिष्ठ प्रवक्ता संजय राउत और शिवसेना के सांसद और सामना के संपादक संजय राउत बगले झांक रहे हैं, उनको मुंह छिपाने के लिए जगह नहीं मिल रही है। संजय राउत से जब पूछा गया कि हाईकोर्ट के जजमेंट पे आपकी क्या रिएक्शन है, तो संजय राउत ने कहा है कि ऐसा कौन सी कानून की किताब में लिखा हुआ है, मैं कानून की किताब ढूंढ रहा हूँ। तो संजय राउत अभी कानून की नई नई किताबें ढूंढने में लगे हुए हैं। संजय राउत कानून की किताबें या नए संविधान को एक तरीके से ढूंढने में लगे, तो पता नहीं कौन से संविधान की किताब संजय राउत पढ़ रहे, लेकिन मामला काफी इंटरेस्टिंग है और कंगना के फेवर में है और कंगना को नए विंग्स नए पंख एक तरीके से लग गए हैं। और कंगना रनावत ने बड़ी खुशी में अपने शूटिंग सेट से, जहां पर वो खुद आजकल प्रोड्यूसर बन गई है, खान के साथ उन्होंने कभी काम नहीं किया, उन्होंने अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पे जी, जो बहुत सारी लड़कियों के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ा एक सैंपल है कि उन्होंने अपनी जिंदगी अपने शर्तों पे जी है, किसी के सामने झुकी नहीं, किसी के सामने रुकी नहीं और टिकी रही, तो ये अपने आप में एक सल्यूट करने वाली बात है कंगना को। और कंगना ने जो है आज साबित कर दिया कि वो है क्वीन, वास्तव में क्वीन है और क्वीन ने अपनी लड़ाई जीत ली। उन्होंने कहा है कि अगर पूरे सिस्टम के खिलाफ अगर किसी इंडिविजुअल की जीत होती है तो वो इंडिविजुअल की जीत नहीं होती है, वो लोकतंत्र की जीत होती है। और लोकतंत्र की जीत के चलते लोकतंत्र की जो कंगना की जीत है, उन्होंने कहा है वो मेरी जीत नहीं है क्योंकि मैं एक इंडिविजुअल हुआ, मैंने पूरे सिस्टम से लड़ा है, मुंबई पुलिस से लड़ा है, मुंबई पुलिस प्रशासन से लड़ा है, महाराष्ट्र सरकार से मेरी लड़ाई थी और जब अब मेरी जीत हुई है तो ये जीत मेरी नहीं है, ये जीत जो है संविधान की जीत है, लोकतंत्र की जीत है, ऐसा कंगना ने अपने ट्वीट में कहा है। और कंगना ने ये भी कहा है कि वो सारे विलन्स का थैंक यू बोलना चाहती है क्योंकि विलन्स की वजह से ही वो आज हीरो है। तो एक शोषण जो जिस तरह से कंगना का पूरे उनके फिल्मी करियर में किया गया आप लोग सब लोग को पता है, ये किसी से भी बात छुपी हुई नहीं है कि किस तरह से उनका शोषण किया गया। मुनव्वर अली जो कास्टिंग डायरेक्टर है, उन्होंने कंगना पर आरोप लगाए थे राजद्रोह के कि कंगना हिंदू मुसलमान की सांप्रदायिकता वादी बातें ट्विटर पे लिखती है और एक तरीके से राजद्रोह राष्ट्रवाद का गाना गा के एक तरीके से राजद्रोह कंगना फैला रही है। उस मुनव्वर अली, आप जानते ही है कि जिस तरह से कास्टिंग डायरेक्टर बॉलीवुड में होते हैं किस तरह लड़कियों का शोषण करते हैं, लड़कियों को सुला सुला कर जो है अपने दिन काटते हैं और टाइम पास लड़कियों के साथ में करते हैं, इस तरह के मुनव्वर अली जैसे छोटे मोटे टाइम पास छाप डायरेक्टर जो है उनकी जो अर्जी लगाई थी उन्होंने मुंबई हाईकोर्ट में राजद्रोह को लेकर कंगना राजद्रोह फैला रही है, उस पर उल्टा मुंबई हाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस को ही लताड़ लगा दी है और जो अर्जी थी उसको खारिज कर दिया गया है और कंगना और उनकी बहन पर जो राजद्रोह का मुकदमा था उसको उनको पूरी तरह से क्लीन चिट दे दी गई है, जो अपने आप में प्राउड की बात है कंगना के लिए। कंगना इसके लिए प्राउड भी फील कर रही है और मुखपत्र जो सामना है शिवसेना का जिसमें उखाड़ दिया हेडलाइंस चलाई थी, उसी उखाड़ दिया हेडलाइंस को लेकर अब जब उद्धव ठाकरे जी से पूछा जा रहा है कि आपकी क्या रिएक्शन से, तो जिस तरह से संजय राउत जी किताबें ढूंढने में व्यस्त है, संविधान की अलग अलग किताबें ढूंढ रहे हैं, उसी तरह से उद्धव ठाकरे जी ने कहा है कि मेरे पास इस तरह की फालतू की बातें करने के लिए टाइम नहीं है। तो ये है हाल मुंबई में
बड़े बड़े राजनेताओं का और कंगना रनौत की जीत का। खैर कंगना के राजनीतिक दुश्मन जो है वो तो किनारे हो गए हैं काफी हद तक, लेकिन फिल्मी दुनिया में भी कंगना ने कुछ कम दुश्मन नहीं बनाए हैं, एक से बढ़कर एक दुश्मन बनाए हैं, चाहे दीपिका पादुकोण हो, चाहे करण जौहर हो, चाहे जो भी महेश भट्ट हो, जितनी बड़ी बड़ी मछलियां हैं सबसे कंगना की दुश्मनी। कंगना ना तो खानों के साथ काम करना पसंद करती है और ना ही खान कैंप्स की ब्लू आइड गर्ल्स के साथ में अपने कंपैरिजन को पसंद करती है। हैप्पी न्यू ईयर के समय जब कंगना को क्वीन के लिए अवार्ड नहीं दिया गया और दीपिका को हैप्पी न्यू ईयर के लिए अवार्ड दिया गया, उसी समय से कंगना की और दीपिका की बातचीत बंद है। कंगना ने कहा है कि इतनी गंदी फिल्म के लिए उनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला कि मैं उनको एक थप्पड़ जड़ देती मेरी तरफ से, और इस तरह की एक्टिंग जो की है दीपिका ने वो एक थप्पड़ उठा के दे देती दीपिका को। इस तरह की जो बोल्ड और बिंदास ब्लंट बयानबाजी के लिए कंगना हमेशा से फेमस रही। यही नहीं, उन्होंने करण जौहर को भी उनके सबसे बड़े शो कॉफी विद करण में नेपोटिज्म का फ्लैग बैरर कह दिया था। और तो और उन्होंने बार बार ये कहा है कि बॉलीवुड में 90% लोग ड्रग एडिक्ट है, आप माने चाहे ना माने। महेश भट्ट के लिए कई सारी बातें कंगना ने की है जो हमने देखा है कि अभी कुछ महीनों से हम देख रहे हैं कि कंगना जो जो कहते आई है शुरू से वो सारी की सारी बातें अब सच हो गई है। महेश भट्ट जो है वास्तव में ड्रग एंगल और डोमेस्टिक वायलेंस का एंगल नजर आया, डोमेस्टिक वायलेंस के चलते महेश भट्ट के भांजे की बीवी ने महेश भट्ट और उनकी बहन पर डोमेस्टिक वायलेंस के चार्जेस लगाए हैं, उनको परेशान करने के चार्जेस लगाए हैं। और भी ड्रग्स से लेकर अल्कोहल से लेकर कई सारे मामलों में हम देखते हैं कि महेश भट्ट के ऊपर कई सारे इल्ज़ाम पिछले कुछ महीनों में समझ में आए हैं। और महेश भट्ट को सुशांत सिंह को ड्रगिस्ट और परवीन बॉबी से तुलना करने की वजह से, और कंगना रनौत को भी साइको कहने और परवीन बॉबी से तुलना करने की वजह से सड़क टू के जो हाल है वो आप सब लोगों ने देखे, किस तरह से सड़क टू को डिसलाइक्स बहुत ज्यादा, मेरे ख्याल से 15-20 मिलियन कुछ डिसलाइक्स मिले हैं सड़क टू को। तो इस तरह से जो है महेश भट्ट को भी ऑडियंस के एंगर का हश्र भुगतना पड़ा। वही हम देखते हैं कि कंगना रनौत के करियर को लगातार फ्लॉप करने की कोशिश की गई, लगातार वो कहती रही कि उनकी फिल्मों को फ्लॉप करने के लिए मीडिया को पैसे बांटते थे मूवी माफियाज, और जितना कंगना को पीछे ढकेलती गई फिल्म इंडस्ट्री उतना ही कंगना बढ़ चढ़ के आगे बढ़ती रही। आज की डेट में वो अपनी खुद की प्रोड्यूसर है, उनको किसी के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं, किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस से भीख मांगने की जरूरत नहीं कि वो उनको उनकी मूवी में कास्ट करे और तब जाके कंगना का करियर बनेगा। आज की डेट में कंगना इंडिपेंडेंट है, कंगना पैशनेट है, कंगना बहुत सुलझी हुई एक्ट्रेस बन गई है और बहुत धमाकेदार एक्टिंग करके धमाकेदार पिक्चरें और महंगी महंगी पिक्चरों में आजकल काम करती है। तो ये एक इंडिपेंडेंट और खुले विचारों वाली लड़की की तरक्की का श्रेय जो है सिर्फ और सिर्फ उसी लड़की को जाता है। मेरे ख्याल से हर किसी लड़की को उनकी कहानी से प्रेरणा लेनी चाहिए और हर किसी लड़की को उनके जैसे भारी भरकम इरादे और सॉलिड जज्बात अपने खुद के लिए और खुद के करियर के लिए रखने चाहिए। तो सल्यूट है कंगना रनौत को। लेकिन मुंबई की हमारी जो मेयर है किशोरी पेंडेकर आई डोंट नो क्या नाम है, उन्होंने 2% के एक्ट्रेस बताया है। ऐसा ही होता है मराठी समाज में, जब कोई लड़की आगे निकल जाती है तो उसको 2% की ही कहा जाता है, पता नहीं क्या क्या नेम शेमिंग और पता नहीं क्या क्या नाम कह के बुलाया जाता है, साइको स्टॉकर और पता नहीं बिच और पता नहीं और दुनिया भर के नाम हैं जो लड़कियों को पुकारे जाते हैं। तो बहुत आम सी बात है, बहुत आम सी बात है। और लड़कियां सॉफ्ट टारगेट्स भी होती है, मतलब अगर आप किसी लड़की को कुछ बोल दोगे तो उठा के आपको मारेगी तो नहीं, क्योंकि ऐसा समझा जाता है कि लड़कियां शारीरिक तौर पर कमजोर होती है इसलिए उनको कुछ भी कहकर आगे खिसक जाएंगे। तो इस तरह से जो मैंटालिटी है वो हमारे मुंबई के मेयर किशोरी पिंडेकर की भी मेंटालिटी, किशोरी पिंडेकर ने 2% की नट्टी बताया है कंगना रनौत को, कहा कि हिमाचल प्रदेश से पता नहीं कहाँ से आके यहाँ पर काम कर रही है और बॉम्बे को पीओके कह रही है। मगर पीओके कहने के पीछे की जो मेंटालिटी थी, जो जो फिलोसॉफी थी कंगना की, शायद उसको समझने में
की स्टोरी, पिंडेकर जो मेयर बन गई वो असमर्थ है शायद, इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन इतनी अच्छी नहीं है कि वो शब्दों के पीछे की गहराई को समझे या किसी के वक्तव्य की पीछे की फिलोसॉफी को समझे, शायद इस तरह के उनके विचार नहीं है। खैर, लगातार जो है फिल्म इंडस्ट्री में अपने इरादों से, सच्चाई से और जुनून से जो आगे बढ़ने का जज्बा है, कंगना जिस तरह से आगे बढ़ी है वो सच में तारीफ़ काबिल है और सच में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है अपने आप में एक इंडिपेंडेंट लड़की के लिए। और कंगना को हाईकोर्ट से जो रिलीफ मिली है वो उनके इरादों को और नई हवा देगा और उनकी उनके जज्बातों को कायम रखेगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है परी टॉक्स टू देश की जनता, जिसमें सब्सक्रिप्शन बटन को दबाकर आप बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग आवर वीडियोस ऑन फेसबुक एंड यू कैन रियली ज्वाइन अस ऑन यूट्यूब, इट्स रॉकिंग, बिलीव मी।